अगर पति पत्नी की बन जाती है, यानी कि उनका तालमेल मिल जाता है, तो उनका जीवन एक तरह से स्वर्ग बन जाता है। लेकिन कई बार जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो वो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं, जानी दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे की जान को लेने पर आमादा हो जाते हैं, और वह घर जिस घर के अंदर वह रहा करते हैं वह घर नरक के समान हो जाता है। तो दोस्तों, पत्नी जो होती है घर की लक्ष्मी होती है और पति उस घर का देवता होता है। अगर ये दोनों अच्छे से रहें तो वह घर मंदिर के समान बन जाता है, और अगर ये जो लक्ष्मी है, जो पत्नी है, वह राक्षसी बन जाए, कुलच्छनी बन जाए, और पति है जो वह भी कुछ और बन जाए, राक्षस बन जाए, तो वह घर घर ना रह करके एक शमशान की तरह बन जाया करता है। इसी संबंधित आज की यह घटना है। दोस्तों, आधी रात को एक पत्नी ने बेड पर पति का भेजा निकाल डाला और फिर उसके बाद किया ऐसा कांड कि आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। एक पत्नी ने अपनी पति को सोते हुए उसका भेजा निकाल दिया। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव की, जहां पर अनिता नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 45 साल। आज से 25 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है ओम प्रकाश और पति की उम्र होती है 55 साल। उसकी एक लड़की है जिसकी उम्र 20 साल है। लड़की का नाम है लक्ष्मी और उसका बेटा भी है जिसका नाम सुरजीत है, जिसकी उम्र है 18 साल। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। जो अनिता का पति है ओम प्रकाश कमाने के लिए बाहर जाता है, उसका अपना कोई काम धंधा है, उसको किया करता है, और अच्छे से समय गुजर रहा होता है, हंसी खुशी वो लोग रह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उनका बेटा होता जिसका नाम सुरजीत होता, जिसकी उम्र 18 साल होती है, वो गंदी सोबतों में पड़ जाता है। तो जो ओम प्रकाश होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने बिगाड़ रखा है, तुम इसको शिक्षा नहीं देती हो, तुम इसको पैसे देती है चुप चुप, इसलिए यह बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है वह भी उससे उल्टा लड़ जाया करती है कि मैंने नहीं बिगाड़ रखा, बच्चे की ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। इसी तरह से उनके बीच में मामला चल रहा होता है, लड़ाइयाँ भी हो जाया करती हैं उस बेटे को लेकर के। फिर कुछ समय बाद उनका जो बेटा होता है सुरजीत, वह अपने आप को गोली मार लेता है, अपने आप मर जाता है। उसकी मौत से वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। अब उस घर में दोनों पति पत्नी और उनकी 20 साल की बेटी लक्ष्मी रहा करती है। अब दोस्तों, जो ओम प्रकाश होता है उसका मन उस गांव से उठ जाता है, वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर शहर चला जाता है। वहां जाकर कुछ काम धंधा करने लगता है और ऑटो पार्ट्स की दुकान वहां पर खोल लेता है, वहां पर वह काम धंधा कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पति पत्नी में फिर से वहां पर भी झगड़ा होने लगता है। पति कहता है कि तू उस लड़के की मौत की जिम्मेवार है, तू हमारे बेटे की मौत की जिम्मेवार है। पत्नी उससे उल्टा लड़ती है कि मैं कौन सी जिम्मेवार हूँ, मैंने तो उसकी ज़रूरतें पूरी की थी और ये हमारा कर्तव्य है माँ बाप का। दोस्तों, इस बात को लेकर उनके बीच में अब रोज़ झगड़े होने लगते हैं। वो जो पिता होता है वह कहता है कि मेरे बेटे को तूने मारा है, तुमने उससे छूट दी थी। इसी तरह से झगड़े होते रहते हैं। तभी एक दिन शाम को उनके बीच में झगड़ा हो रहा था बुरी तरह से, और उनकी जो बेटी होती है लक्ष्मी, वह अपने कमरे में चली जाती है ये कहकर कि तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का झगड़ा है। दोस्तों, एक दो घंटे उन दोनों के बीच में झगड़ा रहता है। फिर उसके बाद जो उसका पति होता है अनिता का ओम प्रकाश, वह सो जाता है, और फिर रात को अनिता की आंखें खुलती हैं। उसके दिल में प्रतिशोध की भावना जल रही थी। वह बंदूक वाले कमरे में जाती है, दुनाली बंदूक को उठाकर लाती है, दो गोलियां लोड करती है और अपने सोते हुए पति के सीने पर और अपने सोते हुए पति के सर पर तान देती है और आंख बंद करके बंदूक के ट्रिगर को दबा देती है। जैसे ही बंदूक के ट्रिगर को दबाती है, देखते देखते उसके पति का जो भेजा निकलकर बेड पर आ गिरता है। पति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तभी उसकी बेटी अपने कमरे में से भाग कर आती है, देखती है कि उसकी माँ के हाथ में बंदूक है और उसके पिता को उसने मार दिया है। तभी दोस्तों, उसके बाद जो अनिता होती है पुलिस के पास फोन करती है और कहती है मैंने अपने पति को मार दिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। पुलिस समझती है कि शायद कोई आपस में झगड़ा हुआ होगा, इससे बंदूक चल गई होगी। लेकिन पुलिस आकर मामले की छानबीन करती है तो उसकी जो पत्नी होती है अनीता, वह कहती है मैंने ज़बरदस्ती अपने पति को मारा क्योंकि मैं इससे परेशान हो चुकी थी, मैं इससे छुटकारा पाना चाहती थी और अपना बचा खुचा जीवन अब मैं जेल में गुजार लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और जो लक्ष्मी थी 20 साल की लड़की थी वह अकेली हो गई, असहाय हो गई, क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो रही थी। कैसे उसकी शादी होगी, कौन उसका सहारा बनेगा, कैसे उसकी ज़िंदगी कटेगी, आगे की प्लानिंग कैसे होगी। माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया। एक छोटी सी नासमझी के कारण, सिर्फ तू तू मैं के कारण
जबकि दोस्तों घरों के अंदर तू तू मैं हो जाया करती है पति पत्नी के बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग किसी की जान ले लोगे। एक दूसरे से पति पत्नी आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, फिर प्यार भी हो जाता है, इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे की जान ले लोगे। यहाँ पर वह लड़की अनाथ हो गई और दो जिंदगियाँ बर्बाद हो गई, और जो ओम प्रकाश था उसकी जान चली गई, और जो अनिता थी वह अब सारी ज़िंदगी जेल में काटेगी। तो क्या ज़िंदगी रही, इस परिवार का क्या भविष्य रहा? तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, सावधानी से रहें, कभी कोई आपस में कहासुनी हो जाए तो किसी की बात को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाएं, क्षमा करने की प्रवृत्ति अपनाएं। क्षमा सबसे बड़ा कर्म होता है, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो बहुत बड़ी आफत से आप टल सकते हैं, यह भी देखा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात ब्रज, जहां पर हम ब्रज क्षेत्र के सभी दार्शनिक स्थानों के दर्शन करवा रहे हैं। मेरा छोटा भाई है जीतू सौरत, वो उस चैनल को चलाता है, आप वहां पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, जय हिंद जय भारत।